हमीरपुर जिला में 14 दिनों के बाद कंटेनमेंट जोन के खुलने के बाद आज सुबह 7 से 11 बजे कर्फ्यू टाइम में मिली छूट के दौरान लोगों ने बाजार में आकर आवश्यक चीज़ों की खरीदारी की है। इस अवसर पर पुलिस के द्वारा भी पूरी मुस्तैदी बरती गई ताकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करें। हमीरपुर बाजार में आवश्यक सामान की दुकानों में लोगों ने सामान खरीदा, वहीं इस अवसर पर लोगों ने अलग अलग अपनी राय दी है। सुरेश का कहना है कि काफी दिनों बाद आज बाजार में आए हैं और सामान खरीदा है। उन्होंने कहा कि 4 घंटे का समय दिए जाने से नुकसान हो सकता है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो सकता है, इसलिए प्रशासन को इस टाइमिंग को घटाने के लिए सोचना चाहिए। प्रशासन के और अपने हमीरपुर जनता को बधाई देना चाहता हूँ कि हमारा जो 75 था रेड जोन का, उससे जो है हमें जो है बाहर क्लियर किया जा चुका है। साथ ही मैं इसमें कहना चाहूँगा कि जो टाइम ड्यूरेशन है वो थोड़ी सी ज़्यादा कर दी है, जिसकी वजह से जो है पब्लिक जो है ज़्यादा भीड़ एकत्रित कर देगी मार्केट में, तो वो टाइम ड्यूरेशन नहीं बढ़ानी चाहिए थी। और जो टाइम ड्यूरेशन इनकी पहले थी 7 से 10, वही टाइम ड्यूरेशन होनी चाहिए थी। जो ये टाइम ड्यूरेशन थोड़ी सी बढ़ाई है, इसकी वजह से थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का जो है पालन लोग कम करेंगे और लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है। प्रशासन तो अपनी तरफ से पूरी उसमें अपनी पूरी ताकत के साथ लोगों को समझा रहा है, पूरी मतलब अच्छे तरीके से, फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं, तो इस चीज़ को जो है तो टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा कम कर देना चाहिए। अनिल मनकोटिया का कहना है कि हमीरपुर में 14 दिन पहले 2 कोरोना केस सामने आए थे, लेकिन दोनों केस में परिवार वालों की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, जिससे टेस्टिंग किट पर भी सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन के गलत रवैये के चलते हमीरपुर को नुकसान पहुंचा है और लोगों को 14 दिनों तक बिना वजह से परेशानियां झेलनी पड़ी हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की बजाय फिजिकल डिस्टेंसिंग बनानी चाहिए, ताकि आने वाले समय में नियम मानकर सोशल यूनिटी का शब्द प्रयोग करना चाहिए, जिससे समाज के अंदर सद्भावना बनी रहे। आज 14 दिन बाद जो है हमीरपुर के अंदर एक थोड़ी सी राहत मिली है। हालांकि आज से 14 दिन पहले जिस तरीके से हमीरपुर के अंदर जो दो पॉजिटिव केस आए थे, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न लोगों के बीच में क्रिएट किया था। और ये हमीरपुर प्रशासन की नाकामी है कि किस तरीके से वो जो जब टेस्ट लिए गए, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि उनके परिवार वाले क्यों पॉजिटिव नहीं आए, जब वो सारे लोग जो आपस में डेली एक दूसरे के बिल्कुल संपर्क में रहते हैं। तो अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क पैदा करता है। जो हमारी टेस्टिंग किट्स जो हमने सरकार ने जो बाहर से लाई हैं, उसके ऊपर अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह पैदा करता है, जिसकी वजह से पूरे हमीरपुर के अंदर जो है एक बहुत नुकसान जो है। हालांकि इससे पहले जो छोटी मोटी दुकानें जो खुलती थी, और आने वाले समय के अंदर भी हम लोग ये मांग करते हैं कि जितनी भी जो एसेंशियल जो कोरोना वॉरियर्स के लिए जो पीपीई किट्स हैं या और भी जितने जरूरी सामान है, वो सारा जल्दी ही जल्दी होना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय के अंदर जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर इसके मामले लगातार बढ़ रहे हैं, तो हमीरपुर के अंदर भी, हालांकि अभी ये कोरोना फ्री जिला इसको घोषित किया है पिछले कल ही, लेकिन अगर हम ये मानकर चलें कि आने वाले समय के अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो जो सोशल यूनिटी है, सोशल डिस्टेंसिंग का जो शब्द है हम उसका विरोध करते हैं, फिजिकल डिस्टेंस उस चीज़ का प्रशासन को और सरकार को इस्तेमाल करना चाहिए। वो जो फिजिकल डिस्टेंस का जो कंसेप्ट है, वो आने वाले समय के अंदर भी हम सभी लोगों को उसको एक रूल मानकर चलना चाहिए, और आने वाले समय के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग को शब्द को ना इस्तेमाल करते हुए फिजिकल डिस्टेंस एंड सोशल यूनिटी का शब्द हमें हम लोगों को जो है इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि समाज के अंदर जो है वो सद्भावना बनी रहे। स्थानीय निवासी सपना का कहना है कि हमीरपुर में कंटेनमेंट जोन को खोला गया है, इससे काफ़ी खुश हैं। उन्होंने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए तो टाइमिंग कोई मायने नहीं रखती है, इसलिए 7 से 11 में भी लोग नियमों का पालन करें। हमारा लॉकडाउन खुला है, उससे हमें बेहद खुशी है, क्योंकि ये हमारी गवर्नमेंट के बहुत ही अच्छे बनाए गए रूल्स और जो पब्लिक है उसके कोऑपरेशन से खुला है, तो आगे भी हमें इसी तरह सोशल डिस्टेंसिंग जारी रख के इसी तरह रखना चाहिए, ताकि हम भी सेफ रहें, हमारे बच्चे भी सेफ रहें और हमारा पूरा नेशन जो है वो भी सेफ रहे। कुछ लोग जो कह रहे हैं कि 7 से 11 जो है इसको 7 से 10 करना चाहिए टाइमिंग, इसके बारे में कुछ? 7 से 10 की ज़रूरत नहीं है, अगर सोशल डिस्टेंसिंग 11 10 तक रख सकते हैं तो 11 तक भी रख सकते हैं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर 7 से 10 ही खुला रहे तो वह भी बढ़िया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन का साथ देना चाहिए, ताकि कोरोना को दूर भगाया जा सके। डिसीजन तो ठीक है सर, हम यही चाहते हैं कि लोग ज़्यादा पैनिक ना हो, 7 से 10 ही खुला रहे तो बढ़िया है, और जो डिस्टेंस है वो बनाया जा सके 1 मीटर का कम से कम,
और इसको सख्ती से पालन करें और साथ प्रशासन का हमें साथ देना चाहिए। तो यही लोग चाहते हैं कि जिसमें कि क्योंकि इसमें प्रशासन का नहीं, हमारा अपना भला है। जो प्रशासन कर रहा है वो पब्लिक के लिए कर रहा है, लेकिन इसको लोग कुछ लोग बीच में गलत कर रहे हैं, उनको सुधरना चाहिए। हम यही चाहते हैं कि उनको समझें, अपने आप को सेफ रखें, अपनी फैमिली को सेफ रखें, अपने घर पर रहें। गौरतलब है कि हमीरपुर में 2 कोरोना मरीज के पॉजिटिव होने पर हमीरपुर और जोरसप्पर के साथ लगती पंचायतों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया था, लेकिन 14 दिन पूरे होने पर अब इन जगहों पर रियायत दी गई है, जिसके चलते ही आज सुबह 7 से 11 बजे तक हमीरपुर बाजार में भी दुकानें खोली गई थी।